इलेक्ट्रोफोरेसिस के नेक्स्ट टॉपिक में हम आज सपोर्ट मीडिया के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से सब्सटेंसेस या मटेरियल को सपोर्ट मीडिया के रूप में यूज़ किया जाता है। सपोर्ट मीडिया क्या है? सपोर्ट मीडिया का मतलब वो मीडियम है जिसमें एक्चुअली सेपरेशन होता है। तो ये कोई जेल हो सकता है, जेल से पहले स्टार्च जेल यूज़ कर किया गया है, फ़िल्टर पेपर यूज़ किया गया है। तो अलग अलग मटेरियल हैं जो जिसके अंदर एक्चुअली सेपरेशन होता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट मीडिया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिक पार्ट में सपोर्ट मीडिया सेकंड टॉपिक ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोटीन्स को आर्ने टाइसेलियस, एक स्वीडिश बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने इसको सबसे पहले सेपरेट किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हुए प्रोटीन्स को सेपरेट करने का प्रयास किया था और इसी के लिए इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के अंदर दिया गया था। ये जो काम इन्होंने किया, ये थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, परफॉर्म्ड इन फ्री सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस टॉपिक में सपोर्ट मीडिया की, तो इन्होंने विदाउट सपोर्ट मीडिया ये काम किया, इन्होंने सॉल्यूशन के अंदर ये काम किया। लेकिन सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है जो इस आगे वाली स्लाइड में बताया गया है कि सॉल्यूशन में अगर आप प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे तो सेपरेटेड प्रोटीन्स वापस डिफ्यूज़ होकर मिक्स हो जाएंगी। तो पहली प्रॉब्लम है डिफ्यूज़न। दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विड में या सॉल्यूशन में जब हम सेपरेट करते हैं तो कन्वेक्शन करंट्स होती हैं। आपको पता होगा कन्वेक्शन करंट क्या होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से लिक्विड के अंदर करंट्स फ्लो करती हैं जो मिक्सिंग कर देती हैं लिक्विड की। तो बेसिकली फ्री सॉल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर सेपरेशन एक्चुअली हो नहीं पाता है। क्यों इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि वापस से प्रोटीन्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो अगर इन प्रॉब्लम्स से हमको ओवरकम करना है, तो अगर हम एक मीडियम के अंदर, एक सेमी सॉलिड मीडियम के अंदर सेपरेशन करें तो सेपरेटेड प्रोटीन्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाती हैं, उनके जोन्स बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं। तो अगर मीडियम हो जो उनके सेपरेशन को स्टेबलाइज कर सके तो डिफ्यूज़न और कन्वेक्शन करंट के जो लिमिटेशन है सॉल्यूशन में सेपरेशन के साथ में, वो हम उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ थर्ड पॉइंट में देखिए, इसमें लिखा हुआ है, दिस वॉज अचीव्ड बाय कैरिंग आउट इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन ए पोरस मैकेनिकल सपोर्ट विच वॉज सेट वेटेड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर एंड इन विच इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ बफर आयंस एंड सैंपल्स कुड अकर। तो पोरस मैकेनिकल सपोर्ट ले लिया एक, जिसके अंदर सेपरेशन होगा, और वो जो पोरस मैकेनिकल सपोर्ट, जिसको हम जेल बोल रहे हैं, एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन जो मीडियम है जिसके अंदर सेपरेशन होता है, वो यही मैकेनिकल सपोर्ट होता है। तो इसको, इस सपोर्ट को एक इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर में डुबो करके रखते हैं और वहाँ पर एक्चुअली सेपरेशन होता है। तो जब सेपरेशन हो जाता है तो सेपरेशन के बाद में शार्प जोन्स बनते हैं सेपरेटेड कंपोनेंट्स के। तो ये फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए कि जब सेपरेशन हो जाता है तो सेपरेटेड कंपोनेंट्स रिमेन एज शार्प जोन्स, तो उनके जोन्स बन जाते हैं। तो उनको जोन्स को अलग अलग हम कट करके अलग कर सकते हैं और एक्चुअल सेपरेशन हमको अचीव होता है। यहाँ पर इसमें इससे पहले जो सपोर्ट मीडियम यूज़ किए गए टाइसेलियस के बाद में, वो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को यूज़ किया गया है, और सेल्यूलोज एसीटेट की स्ट्रिप्स को यूज़ किया गया, जिनको इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर में डुबो करके रखा गया था। और अभी भी बहुत रिसेंट टाइम तक भी अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को रूटीनली हम सेपरेट करते आए हैं इन्हीं माध्यमों के अंदर, सेलुलोज, सिलिका, एल्यूमिना या फिल्टर पेपर के अंदर। लेकिन अभी इसमें जो रेड जो हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर आप देखिए कि मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं सेपरेशन की, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अलग बात कर रहे हैं कि अगर बायोमोलिक्यूल छोटा है, अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनके लिए HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसका यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए। अब इसके अंदर बात की गई है कि सेपरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो हम इनमें कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो
मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका उनके लिए ये वाले सपोर्ट जो है वो पुअर साबित होते हैं। उनके लिए हमने अलग से दो जेल्स का यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। लास्ट लाइन में आप देखें, एगरोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो एगरोस जेल अलग जेल है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल अलग है, जिनका अपन अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है उसका सेपरेशन हम प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए करते हैं। एगरोस जेल का जो यूज़ है वो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो वीडियो आप देखेंगे उसके अंदर हम इन दो जेल्स के बारे में बात करेंगे कि एगरोस जेल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जितना भी मटेरियल जो लिया गया है इस वीडियो में, ये विल्सन एंड वॉकर की जो बायोकेमिस्ट्री की टूल्स एंड टेक्निक्स की बुक है, लास्ट टाइम मैंने रिकमेंड किया था इसको, ये सारा मटेरियल भी वहीं से अपन ने लिया है, वहीं से इसको सारा रेफरेंस अगर आपको देखने हो और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहें और देखते रहें। थैंक यू।